सबसे पहले बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर उत्तराखंड के केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को केदारनाथ से वापस ला रहा था, जो देव दर्शनी के पास हादसे का शिकार हो गया है। यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। घटना की सूचना मिलते ही DDRF, SDRF और NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची है। और बता दें कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी मृतकों के शव को केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचा दिया है, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए रुद्रप्रयाग मुख्यालय भेजा गया है। मृतकों का पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई लगातार की जा रही है। गुप्त काशी केदारनाथ के CEO विमल रावत ने बताया है कि सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है, परिजनों की सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से अचानक मौसम खराब होना बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।